नमस्कार, मैं खुशवाणी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में अब हर एक योजनाओं की होगी पड़ताल। साइबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस बनाएगी एक संयुक्त रणनीति। बिहार के हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। ब्रिटेन की मिस मफेट बनी जमालपुर रेल कारखाने की धरोहर। सातवीं बार एशिया का चैंपियन बनने उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी ने 864 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने विभिन्न डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल मिलाकर 864 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ntpc.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में हर एक योजनाओं की होगी पड़ताल। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ योजनाएं ही लागू नहीं होंगी बल्कि इसकी पड़ताल भी होगी कि कितने योजनाओं पर कितना काम किया गया है। इसकी पड़ताल के लिए शिक्षा विभाग ने ठोस कदम उठाया है। इसके लिए अधिकारियों की टीम स्कूलों में संचालित लाभुक योजनाओं और सरकारी योजनाओं की हालत की पड़ताल करेंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अपने 2-2 अफसरों की 17 टीमों को जिलावार निरीक्षण का दायित्व सौंपा है। साथ ही यह भी तय किया है कि किस टीम के जिम्मे किन 2 जिलों का प्रभार रहेगा। यह आदेश राज्य परियोजना पदाधिकारी असगम्बा चुबा आयो ने जारी किया है। निरीक्षण के दौरान शिक्षा की गतिविधि विभिन्न मदों में राज्य से मिली राशि के समायोजन, समावेशी शिक्षा के संसाधन केंद्र, असैनिक कार्य, प्रखंड शिक्षा कार्यालय की प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ साथ न्यायालय में लंबित मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इस वजह से बेहद प्रसिद्ध है चौसा। चौसा बक्सर जिले में है और इसे एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। यह जगह भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों के लिए जानी जाती है, जो सबसे घातक थी, जिसे चौसा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वह अपने घोड़े के साथ गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती की मदद से डूबने से बच गया। चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया और उसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की। चौसा आमों के लिए भी प्रसिद्ध है और इनके स्वाद चखने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। डेंगू पर लगाम लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष की हुई स्थापना। बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सबसे गंभीर स्थिति राजधानी पटना की है, यही इससे सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि इस वर्ष डेंगू के मरीजों में रिकवरी रेट अच्छी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए ठोस कदम उठाया है। विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों डॉक्टरों ने डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ बैठक की, जिसमें डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि सिविल सर्जन द्वारा 24/7 डेंगू नियंत्रण कक्ष स्थापना की गई है। इसमें 3 पालियों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। टेलीफोन नंबर 0612-295-1964 अथवा व्हाट्सएप नंबर 7739851777 पर आम जनता किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं बताया गया है कि उनके यहां पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। आइसोलेशन वार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 25% बेड डेंगू मरीजों के लिए उपयोग हो रहे हैं। दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए IIT के ये 12 प्रोफेसर। साल 2022 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट में IIT पटना के 12 प्रोफेसर ने अपनी जगह बनाई है। इससे पहले 2021 में भी IIT पटना के 11 प्रोफेसर को इस लिस्ट में जगह मिली थी। नए नाम में केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डॉक्टर रंजन कुमार बेहरा का नाम जुड़ा है। फील्ड और सब फील्ड विशिष्ट परसेंटाइल उन सभी वैज्ञानिकों के लिए भी प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने कम से कम शोध में 5 पेपर प्रकाशित किए हैं। इन 12 प्रोफेसर में IIT पटना के डॉक्टर ऋचा चौधरी सामाजिक विज्ञान, डॉक्टर सुरजीत कुमार पॉल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर प्रतिभा मोय दास गणित, डॉक्टर श्रीपर्णा साहा व डॉक्टर आसिफ इकबाल कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग, डॉक्टर अनिर्वाण भट्टाचार्य मैकेनिकल, डॉक्टर अमरनाथ हेगड़े सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर नवीन कुमार निश्चल व डॉक्टर सौम्य ज्योति रे फिजिक्स, डॉक्टर उदित सतीजा, डॉक्टर
रंजन कुमार बेहरा और डॉक्टर महेश कुमार एच को लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल है। साइबर क्राइम से बचने के लिए पुलिस बनाएगी एक संयुक्त रणनीति। जितनी तेजी से हम सभी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। आए दिन हो रही साइबर फ्रॉड ने पुलिस की नींदें भी उड़ा दी हैं। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते दिन एडीसी मुख्यालय JS गंगवार ने पुलिस की उपलब्धियों और कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंकों में कागजातों के सत्यापन में लापरवाही और टेलीकॉम कर्मियों की लापरवाही, पुलिस द्वारा किए जा रहे अनुसंधान में आने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। एडीसी ने कहा कि ये दो अलग अलग विभागों की बात है, इस पर बैंक अधिकारी और टेलीकॉम अधिकारियों के साथ एक संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी, जिससे साइबर क्राइम के मामले अनुसंधान में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस मौके पर एडीजी ने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की है कि KYC नॉर्म्स का पालन कर साइबर अपराध से बचें। आईटी पार्क को लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी ब्याजा देगी जमीन। अब आईटी पार्क, स्टार्टअप हब, ग्रेड ए वेयरहाउस तथा लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी ब्याजा जमीन उपलब्ध कराएगी। इसकी मंजूरी बिहार कैबिनेट ने दे दी है, जो कि 2025 तक प्रभावी होगा। दरअसल हाल ही में संपन्न इन्वेस्टर मीट में शामिल उद्यमियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह बात उठाई थी कि आईटी पार्क, ग्रेड ए वेयरहाउस और लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्याजा के स्तर पर जमीन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए, जिसके बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके बाद अब आईटी पार्क के तहत डिजाइन एवं डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन के लिए सरकार बियाडा परिसर में जमीन उपलब्ध कराएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अध्ययन सुमन की। अध्ययन सुमन एक भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कार्य हाल ए दिल नामक फिल्म से किया। वो भारतीय अभिनेता शेखर सुमन के पुत्र हैं। अध्ययन सुमन का जन्म मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन और अलका सुमन के घर हुआ था। सुमन ने 2008 में हाल ए दिल के साथ बॉलीवुड फिल्म उद्योग में शुरुआत की, जिसे अनिल देवगन द्वारा निर्देशित और कुमार मंगत द्वारा निर्मित किया गया था। उनकी दूसरी सेमी हिट फिल्म थी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित थी। उनकी तीसरी फिल्म जश्न भी मुकेश भट्ट के साथ थी और फिल्म में उनके अभिनय को समीक्षकों द्वारा सराहा भी गया था। उनकी हालिया रिलीज फिल्म सोनियो 2.0 है। हाईकोर्ट ने पटना दूरदर्शन केंद्र पर लगाया 1,00,000 रुपए का जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने पटना दूरदर्शन केंद्र पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल यह जुर्माना दूरदर्शन पटना के मृत वरीय अभियंत्रण सहायक के पद पर कार्यरत मोहम्मद नसीम अहमद का मेडिकल का समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर लगाया गया है। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस PB वजंत्री व जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इस जुर्माना की राशि का भुगतान 1 सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी। आपको बताते चले कि यह आज का पटना दूरदर्शन केंद्र के वरीय अभियंत्रण सहायक की विधवा पत्नी ने पटना हाईकोर्ट में दायर किया था। नामांकन में नीलम और सोनम देवी का दिखा शक्ति प्रदर्शन। बिहार में होने वाले 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू है। इस बीच मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। इस सीट पर 2 बाहुबली नेताओं की पत्नियां आमने सामने हैं। एक तरफ हाल ही में जदयू का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं। इन दोनों ही उम्मीदवारों ने बीते दिन शक्ति प्रदर्शन के साथ मोकामा विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करवाया। बिहार के हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। बीते दिन सराय रंजन के नरघोगी में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन करने समस्तीपुर पहुंचे CM नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर जगह इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। सभी राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए 1/3 सीट पर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। सभी संस्थानों में 1/3 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ेंगी तो बात आगे बढ़ेगी, लड़कियां यदि शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर भी घटे, क्योंकि लड़कियों को ज्यादा समझ है, लड़के को कम। बिहार में विदाई की बेला के करीब मानसून। राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो माना जाएगा कि मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में आने वाले 2-3 दिनों में बारिश की संभावना ना के बराबर है। अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। पिछली बार गुरुवार को राज्य के 1-2 जिलों में हल्की बारिश हुई थी। पिछले साल की तरफ देखें तो बिहार में अक्टूबर के मध्य तक यानी 15 तारीख तक मानसून सक्रिय रहा है। हालांकि 5 अक्टूबर तक सामान्यतया मौसम की विदाई मान ली जाती रही है।
भारत में इस्तेमाल हो रही 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी। इस महीने की शुरुआत में लॉन्च की गई 5G पूरी तरह स्वदेशी है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को कहीं से इंपोर्ट नहीं किया गया और यह देश का प्रोडक्ट है। उनका कहना था कि अन्य देशों को भारत 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकता है। सीतारमन ने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में कहा कि यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है कि हमने देश में जिस 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है वह पूरी तरह स्वदेशी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहीं से इंपोर्ट नहीं किया गया है। ब्रिटेन के मिस मफेट बनी जमालपुर रेल कारखाने की धरोहर। ब्रिटेन में बनी सबसे छोटी भाप इंजन मिस मफेट को जमालपुर रेल कारखाने का धरोहर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जमालपुर रेल कारखाने के इंजीनियर ने 1928 में ब्रिटेन से लाई गई इस भाप इंजन को अपनी मेहनत से फिर से चलने लायक बनाया और अब यह हेरिटेज इंजन बन गई है। बताया गया है कि 2018 में जब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी जमालपुर दौरे पर आए तो उनकी नज़र इस इंजन पर पड़ी। उन्होंने इसके बारे में उत्सुकता से पूछा। इसके बाद इसके जाम हुए पार्ट पुर्जे पर मेहनत से काम हुआ और इसे एक बार फिर से चलने लायक बना दिया गया। वही योजना यह भी बनी है कि आम लोग भी इसको देख सके, इसके लिए इस हेरिटेज इंजन को जमालपुर के गोल्फ ग्राउंड में रख कर चलाया जाए। हालांकि इस योजना पर अभी काम नहीं हुआ है। सिंगापुर में शुरू हुआ लालू यादव का इलाज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेहतर इलाज और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर गए हैं। इस दौरान उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें उनका अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू यादव की कई तस्वीरें शेयर की हैं। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी सिंगापुर में है। लालू परिवार का मानना है कि इलाज के सिलसिले में सिंगापुर में लंबे समय तक भी रहना पड़ सकता है। लालू यादव के साथ 6 लोग सिंगापुर गए हैं। अब डाक घर से बुक करा सकेंगे ट्रेन की टिकट। भारतीय डाक रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। भारतीय रेलवे ने बिहार के ग्रामीण इलाके के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए डाक घर से टिकट बुक कराने की सुविधा शुरू की है। दरअसल रेलवे ने राज्य भर के लगभग 5,000 विभिन्न डाकघरों में टिकट बुक कराने की व्यवस्था की है। इस सुविधा के शुरू हो जाने के बाद रेल यात्री रेल टिकट लेने में परेशानी नहीं होगी। यानी रेल यात्री बिना किसी परेशानी के अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से टिकट ले सकेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च 2023 तक अपने नजदीकी डाकघर से आप आसानी से रेल टिकट बुक करा सकेंगे, क्योंकि बिहार डाक सर्किल आगामी मार्च 2023 तक पटना समेत राज्य भर के 5,000 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा देने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन से मांगा खर्च का ब्यौरा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होने वाले खर्च का हिसाब मांगा है। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने इस बाबत निर्देश जारी किया है और कहा है कि राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इसकी जिलावार समीक्षा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आगामी 20 अक्टूबर को इसको लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक होनी है। इसमें राज्य के सभी सिविल सर्जन सहित सभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर को बुलाया गया है। वहीं बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। ललन सिंह के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी से राजनीति हुई तेज। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद सियासत तेज हो गई। इस छापेमारी को जदयू के तरफ से उपचुनाव से पहले भाजपा की हार को लेकर हताशा का परिणाम बताया गया है। वहीं इसको लेकर भाजपा ने कहा है कि कार्रवाई में केंद्र पर आरोप लगाना सही नहीं है। दरअसल बीते दिन हो रही इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स स्वायत्त संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के लिए यह कहना आसान है कि इन्हें केंद्र के इशारे पर चलाया जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने निकाय चुनाव को लेकर जदयू के धरना प्रदर्शन को नाटक करार दिया है। प्रशांत किशोर ने बताया इतिहास में सीएम नीतीश कैसे किए जाएंगे याद। जन स्वराज पद यात्रा का बीते दिन प्रशांत किशोर का 13वां दिन रहा। इस दौरान प्रशांत किशोर पश्चिमी चंपारण के सिकटा प्रखंड के बलथर में थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश सरकार की इतिहास जब भी लिखी जाएगी उसमें सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार का यह होगा कि पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद उनके नेतृत्व में उनके शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यह उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। उन्होंने कहा कि यदि सड़क खराब है तो संभव है कि 2-4 साल के बाद कोई अच्छी सरकार आए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होती है तो पूरा का पूरा जनरेशन खराब हो जाता है। जो व्यक्ति नहीं पच पाया और उसे किसी तरह डिग्री मिल गई वह जीवन भर अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाएगा।
नीतीश कुमार का ऐलान, अब जीवन भर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 7 बार दल बदल चुके, जिसमें 2 बार भाजपा के साथ गठबंधन में रह चुके नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अब भाजपा के साथ जीवन भर कभी नहीं जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है। 2 बार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ चुके नीतीश कुमार ये दूसरी बार ऐलान कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने साल 2013 में गठबंधन तोड़ने के बाद ये बात कही थी। दरअसल बीते दिन समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि जीवन भर उन लोगों यानी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि पहले की भाजपा के लोगों के पास विजन था, अब वाले सिर्फ बातें करते हैं। अनिल सानी के बचाव में आगे आया आरजेडी। अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब राजद के कुजनी विधायक अनिल सानी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। इसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि उनकी सदस्यता खत्म हुई है, कानूनी रूप से या नियम के अनुसार जो हुआ है उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है, इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत का भी सहारा अनिल सानी लेंगे। हम महागठबंधन के लोग कानून और कर्तव्य को जानते हैं और उसका लगातार पालन करते हैं। जब कभी भी कोर्ट कुछ ऐसा आदेश करता है, नियम का पालन करने में हम आगे रहते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। भारत के निर्वाचन आयोग ने बीते दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 12 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इससे पिछले चुनाव में हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी। 7वीं बार एशिया का चैंपियन बनने उतरेगी टीम इंडिया। 6 बार के चैंपियन भारत शनिवार यानी आज बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला एशिया कप 2022 फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। भारत और श्रीलंका बिल्कुल अलग तरीके से अपने अपने सेमीफाइनल जीतने के बाद यहां पहुंचे हैं। भारत ने शिफाली वर्मा के धमाकेदार 42 रन और दीप्ति शर्मा के 3 विकेटों की मदद से थाईलैंड के खिलाफ 74 रनों से जीत हासिल किया। भारत बनाम श्रीलंका महिला एशिया कप 2022 फाइनल का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी चैनलों पर शनिवार को दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। भारत बनाम श्रीलंका महिला एशिया कप 2022 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल शासक अकबर का जन्म 1542 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन शंकर का जन्म 1922 में हुआ। भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह का जन्म 1952 में हुआ। भारतीय निर्देशक मीरा नायर का जन्म 1957 में हुआ। मध्यकालीन भारत का एक विद्वान साहित्यकार और फारसी का प्रसिद्ध कवि फैजी का निधन 1595 में हुआ। एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का निधन 1975 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का निधन 1999 में हुआ। कंबोडिया के राजा नोरोदम शिनोक का निधन 2012 में हुआ। टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत 1932 में की। टाटा एयरलाइन कालांतर में एयर इंडिया बन गया की पहली उड़ान 1935 में भरी। वायरल खबर में आज बात होगी 3G 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 3G और 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को 3G और 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का निर्देश दिया है। PIB ने आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी है, भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजानंद सदा, कल्याणी चौधरी, कविता कुमारी, ब्रजेश राम, अमन कुमार, मृत्युंजय कुमार, अहमद रुश्दी, अभिमन्यु कुमार, भान प्रकाश मौर्य, राहुल कुमार दास, बलिंद्र कुमार निवास, रंजीत कुमार और अमन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप साइबर अपराध से बचने के प्रति सजग हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।